मुबारक आप सबको बहुत बहुत। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग स्टार्ट होता है चांद रात से। वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा। तो खैर बिजी भी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, बस दिल नहीं चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे चांद रात, आपको सबको ही पता था कि भाई चांद रात है, ऐसा नहीं कि ऐलान होना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठा, जो कि नॉर्मली होता है शिरकुरमा इस तरीके से। पड़े सेवैयों को जो है वो हमने तेल में, मैं तेल में बनाती हूँ, लोग घी में भी बना लेते हैं। तेल में इलायची डाल के सेवैयों को हमने रोस्ट किया, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। उसके साथ ही उसमें मैं शुगर ऐड कर देती हूँ, थोड़ी सी शुगर जो है ना वो कैरामलाइज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो है ना वो दूध डालती हूँ, और इसके अंदर मैं दूध हमेशा जो है ना ऑलपर्स का यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करती। गाय के दूध में ज़रा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता इनका। अच्छा, ये जो है बस दूध डाला, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, 1 से 2 बॉयल आएंगे तो ये जो है शिरकुरमा हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो मैं इस तरीके से रखती हूँ, बस ये जो आती है इसकी, ये पूरा उस धुएँ की वजह से जो है मेरा कैमरा ब्लर हो गया था। ठीक है, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होती है जब ये तैयार होता है, कि चमचे के साथ ही थोड़ा सा रनी रहता है। एकदम से सेवैयें जो हैं वो अगर आप ज़्यादा डालोगे तो सेवैयें एकदम वो हो जाती हैं, चमचे में आने लगती हैं, तो अच्छी नहीं लगती जी। उसके बाद सुबह की क्लिप है, ये ईद आ गई। ईद का ये ड्रेस है मेरा, जगाट का था, सनत सफीनास का 2 पीस लिया था, ट्राउज़र इसके साथ स्टिच था, और स्टिच लिया था मैंने, और ये जो है ना ये मैंने स्टिच खुद किया है। इसकी मैंने नॉर्मल वेस्ट में नॉर्मल जो है शर्ट बनाई है, और ये इसके स्लीव्स हैं। जैकार्ड बहुत सॉफ्ट थी इसकी, बिल्कुल भी नहीं कोई इरिटेशन या चुभ रहा था, और लॉन के ऊपर मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ मैंने पहना है। इसको थोड़ा सा फैंसी टच देने के लिए इसके बॉर्डर के ऊपर मैंने जो ऑर्गेन्जा लेस लगाई थी, और इसके दामन पर भी मैंने ऑर्गेन्जा लेस लगा ली इस तरीके से कटवर्क स्टाइल में, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये वेयर करने के ऊपर। और ये पीच और ग्रीन के कंट्रास्ट में था। ट्राउज़र मैंने इसके साथ जो है ना पेयरअप किया था स्किन कलर का, और उसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी हैवी था, ये बहुत गर्मी कर रहा था। बस जी ईद आ गई, तैयार हो गए, जल्दी जल्दी ईदियाँ पैक की, बहुत सारी ईदियाँ देनी पड़ी। उसके बाद पहुंच गए अम्मी के घर। अम्मी के घर की क्लिप है, अम्मी ने जो है ना 2 तरह की बिरयानी बनाई थी। ये जो है चिकन बोटी आई थिंक बनाई थी, क्योंकि दुआ जो है ना वो नहीं खाती बिरयानी हरा धनिया वाली। और ये रायता था, सलाद, उसके साथ जो है दही बड़े थे। ईद गुजर गए, ईद देखे वापस आ गए। ये जो क्लिप आ रही है ये दूसरे दिन की है। ये ड्रेस मैंने ईद के दूसरे दिन के लिए रखा, अम्मी के लिए मैंने लिया था ग्रे कलर में, और ये वाला जो है मैंने अपने लिए लिया था ब्लैक कलर में। ये फुल्ली चिकनकारी के ऊपर है, चिकन बोरिंग चिकनकारी है इसके ऊपर, लेकिन कहीं से भी आपको जो है ना अंडरनीथ इसके कोई शमीज़ वगैरह की या फिर कोई फैब्रिक की रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होल्स थे इसमें। और ये प्रिंटेड के ऊपर है फुल्ली, इसको मैंने डिज़ाइन किया कुछ इस तरीके से, सिंपल सी लेसेस लगाई, और बहुत प्यारा कुछ इस तरीके से सिंपल सी लेसेस लगाई, और बहुत प्यारा लग रहा था ये इसका स्टाइल। और इसका जो दुपट्टा और इसकी जो डिटेलिंग थी ना वो मैंने गोटा वर्क लेस से की, जो शार्प टूथ लेस होती है उससे, तो ये भी मैंने खुद स्टिच किया था। ये मैंने लॉन्ग स्टिच किया था ट्राउज़र, इसका भी मैंने जो है ना वो रेडीमेड ही लिया था, क्योंकि जिसके साथ ट्राउज़र आना था ना जब मेरा पार्सल आया तो लेडी ट्राउज़र ऐड करना भूल गई थी, खैर उन्होंने मुझे बाद में जो है वो पैसे दे दिए। ये इसकी डिटेलिंग है, ये भी मैंने खुद स्टिच किया है। बच्चों के ऑलमोस्ट मैंने कोई ईद पे 12 ड्रेसेस स्टिच किए हैं। अच्छा, ये जो है वॉयल दुपट्टा है इसका, और ये इसके फुल्ली दुपट्टे के ऊपर जो है ना मैंने लेसिंग की, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका दुपट्टा। लेसिंग करने के बाद इसकी एक अलग से लुक आ गई, और ये दुपट्टा इतना अच्छा होता है वॉयल दुपट्टा, आप किचन में काम कर रहे हो पता ही नहीं चलता है, घर में भी वेयर करो कि आपने कुछ पहना हुआ है। उसके बाद ये हम लोग निकल गए तैयार होने के बाद। मुस्तफ़ा की बर्थडे है, ईद का दूसरा दिन है, पहले हमने सोचा कि हम मिठाई ले लेते हैं, फिर दिल नहीं माना कि चलो बच्चे केक काट के जो है ना वो खुश होते हैं। गिफ्ट मुस्तफ़ा के लिए मैंने दराज से मंगा लिया था रिमोट कंट्रोल कार, वैरायटी इनके पास अच्छी थी, ये रसमलाई और आई गेस लबे शीरी थी और रबड़ी थी। उसके बाद जो है मुस्तफ़ा को केक ही पसंद आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा केक्स देखे, जो केक अच्छा लगा वो हमने वहाँ से पिक कर लिया। बुलाया किसी को भी नहीं था, बस नॉर्मली केक काटा, उसको गिफ्ट दिए, क्योंकि ईद के पहले दिन के बाद दूसरे दिन बहुत थकान होती है, तो बस ये वाला जो केक था ये पसंद आ रहा था मुस्तफ़ा को। नियर बाय बेकरी थी वहीं से ले लिया। रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे नज़र आ गया गोलगप्पे वाला, तो गोलगप्पे अगर नज़र आए और आप ना लो तो हो नहीं सकता। तो बस फिर हम रुके और हमने अपने लिए जो है वो पार्सल करवा लिया, क्योंकि वहाँ पे बैठ के या ठेले पे बैठ के खाना मुझे को पसंद नहीं आता है, तो पर हम घर ही लेकर आते हैं, घर ही में लेके आके खाते हैं। तो बस वो बना रहा था और वेट कर रहे थे बस जल्दी से बन जाए और हम इसे लेके घर जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ये जो है ना बहुत शौक से खाते हैं गोलगप्पे, सभी खाते होंगे। मुस्तफ़ा का केक, ये गिफ्ट्स आ गए, कुछ उसकी बहनों ने दिए कुछ मैंने दिए, और यहाँ मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो अपनी कार ही जो है वो ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में ये बताते भी हैं कि ये रिमोट कंट्रोल कार है, दिखाती हूँ आपको।
और रहा ईद का तीसरा दिन, तो ईद के तीसरे दिन मैंने अम्मी को बुला लिया था। ये थी अब तक की वीडियो, चलिए मुस्तफ़ा की बात सुनते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू शेयर, डू लाइक एंड डू